सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप है सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी दोस्तों बढ़िया रहना। भाई लोग, वीडियो को आप लोग टिल एंड वॉच करो क्योंकि आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही, अपने 5th एनिवर्सरी का जो इवेंट इंडिया सर्वर के ऊपर स्टार्ट होने वाला है। इसी 5th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर से आप लोग को लिमिटेड शॉप नाम का एक इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ से गाइस आप लोग को फ्री में काफ़ी सारे बंडल देखने को मिलने वाले हैं एंड साथ में गाइस यहाँ पे फ्री में आप लोग को जो एलीट पास है वो भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ जो अपना पिक नाइन बेट है वो भी रिटर्न पे आने वाले, तो इसका जो पूरा इवेंट है मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो के अंदर। एंड आप लोगों को पता ही है कि अपने 5th एनिवर्सरी का जो यहाँ पे स्पेशल इंटरफेस होता है, उसका एक जो लोगो होता है ना, वो गेम के अंदर आ चुका है फाइनली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो 5th एनिवर्सरी का लोगो है उसको ओपन करूंगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे इवेंट्स आने वाले, कहाँ कहाँ आप लोग कैसे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे एंड कितने आप लोग को फ्री रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, कौन सा फ्री इमोट देखने को मिलेगा और किस तरीके से भाई लोग आप लोग अपने 5th एनिवर्सरी इवेंट को ओपन कर सकते हो आज की ही डेट में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे लाइव भी दिखाऊंगा, जैसे मैं अपनी आईडी के अंदर इवेंट को ओपन करूंगा वैसे आप लोग भी बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी, तो आप लोग जरूर से वीडियो को टिल एंड वॉच करना। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तुम्हारे भाई की कसम तुम्हें फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बाकी चलो गाइस आज की जो वीडियो है फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ अपने 5th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं फ्री में एंड कौन से इवेंट के अंदर। और गाइस आगे मैं आप लोगों को जो अपना 5th एनिवर्सरी इवेंट है वो अपने गेम के आईडी से ही अनलॉक करके बताऊंगा एंड आप लोगों को भी बताऊंगा कैसे आप लोग अनलॉक कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले हीरोज कैप्सूल नाम से एक इवेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप लोगों को फ्री में जस्टिन बीबर वाला जो करेक्टर है वो देखने को मिलने वाला है। अब फ्री में देखने को मिलेगा या फिर कैसे देखने को मिलेगा वो तो मालूम नहीं चल पा रहा क्योंकि यहाँ पे हीरोज कैप्सूल लिखा है, बाकी इवेंट के आने के बाद मालूम चलेगा या फिर इसका जब रिव्यू आएगा तो हम आपको चेक करके बताएंगे। उसके बाद गाइस यहां पे देखोगे तो लॉगिन करने के ऊपर यहां पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है गाइस कि आप लोग को लॉगिन करना है 27 जुलाई को, फिर आप लोग को एक इमोट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड उसके बाद गाइस यहां पे ग्लू वॉल की स्किन है जो कि आप लोग को टाइम लिमिटेड स्टोर में देखने को मिलने वाली है, टाइम लिमिटेड डायमंड स्टोर नाम का इवेंट आएगा दोस्तों, इस चीज को आगे हम लोग दिखा देंगे आप लोग को। उसके बाद स्टाइल कैप्सूल नाम का एक इवेंट आएगा वापस से और यहां पे गाइस आप लोग को एक मेल का बंडल फ्री में देखने को मिल सकता है और गाइस यहां पे प्ले विद फ्रेंड्स में आप कस्टम रूम कार्ड इनफिनाइट टाइम के लिए फ्री में देखने को मिलेगा, मतलब कि 3-4 घंटे के लिए जब आप यूज करोगे तो इनफिनाइट टाइम स्केल पाओगे। और आप लोगों को तो मालूम ही, अपने एक्सचेंज स्टोर के अंदर से मैंने आपको बता ही रखा है कि आप लोगों का फीमेल का बंडल भी फ्री आने वाला है, मतलब प्रीमियम स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा, ये बात तो सभी लोगों को मालूम ही होगी। और जहां से मतलब एक जो M187 गन के स्किन है ना वो भी आप लोग को देखने को मिलने वाली है गाइस, ठीक है। तो देख लो यहां पे स्टिलिंग कॉनक्योर M187 लिखा हुआ है और जहां पे फ्री फायर का एक रॉयल भी आएगा जो कि लास्ट में देखोगे, और ये रॉयल पता नहीं कैसा होने वाला है उसके बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको इसके अंदर से मेल का बंडल देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो इवेंट है दोस्तों देख सकते हो मैंने इवेंट को ओपन कर लिया एंड आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप लोग इवेंट को ओपन भी कर सकते हो। और अगर यहाँ पे टोटल इंटरफेस जो है कुछ इस टाइप से आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा क्या है एमिथिस्ट पेंटागन करके आप लोग एक टोकन है, ठीक है, जो कि आप लोग देखो ये पेंटागन टाइप का आपको पेंटागन शेप में एक टोकन देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो भाई एस्ट्रो मैप वगैरह आ रखे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। एंड गाइस यहाँ से देखो ये जूम आउट करके हम लोग को यहाँ पे लेके आया है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा एक इमेशन वगैरह आ रखे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो गाइस यहाँ पे मैं पूरा चीज़ नहीं बता सकता क्योंकि मेरा भी सही से ओपन नहीं हो रहा, मेरे को भी दिक्कत आ रही है इसको ओपन करने में, बट स्टिल यार जितना हो पाएगा वो तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लेके आ रही है, इसने बोला मुझे प्लेयर को होल्ड करने के लिए, मैंने उसको कर लिया। अब इधर पर हो सकता है कुछ मिशन वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाए एंड मिशन वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे। अभी देखो ये नहीं कंप्लीट हो पा रहा है बिकॉज मैंने इसको एडवांस में ओपन कर रखा है, इसी वजह से ओपन नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है ना एक्सचेंज स्टोर करके, तो गाइस ये जो एक्सचेंज स्टोर है ना इधर पर ना दोस्तों आप लोग को जो आप लोग का प्रीमियम स्टोर होगा और जो फ्री के रिवॉर्ड्स होंगे वो आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिधर से आप लोग फीमेल का बंडल वगैरह क्लेम कर पाओगे। एंड दोस्तों यहाँ पे भी देखोगे तो भाई आप लोग को यहाँ पे जस्टिन बीबर का करेक्टर देखने को मिलेगा, साथ में इसका मुझे मालूम नहीं है, इसका मुझे मालूम नहीं है, बाकी ये भी देखो यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आ रहा तो एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इन चीज़ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं लॉगिन रिवॉर्ड के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे लॉगिन रिवॉर्ड भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये जो इसकी पीक डेट होगी दोस्तों उस दिन आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएंगे, आप लोग उसको क्लेम कर पाओगे। और उसके बाद गाइस
5th स्पेशल लिखा है ना, उसको ओपन करोगे तो आप लोग के सामने वेब इवेंट आने वाला है। वो वेब इवेंट क्या होगा वो तो आने के बाद या फिर मैं एडवांस में जब मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फेयर व्हील इवेंट के ऊपर, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मतलब लग क्या रहे वो तो कन्फर्म है, आप लोग को मालूम ही होगा दोस्तों कि आप लोग का जो ये M17 का स्किन है वो तो फेयर व्हील के अंदर आने वाला है, ये तो सबको ही पता है। एंड ये जो है ना, मतलब देखो भाई अचानक से रोटेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट करने लगा। एंड इसको गाइस मैंने अभी देखा कि मैं इसको खुद से भी रोटेट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड इसी तरीके से गाइस एक एक इवेंट को देख सकते हैं। ये अपना स्टाइल कैप्सूल है, मैंने गलत बोल दिया था, ये गाइस अपना स्टाइल कैप्सूल है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्या है। तो ये अपना गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा मेमोरी कैप्सूल। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे बैटल कैप्सूल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मैप कैप्सूल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हीरो कैप्सूल वापस से आ चुके हैं हम लोग उस पर। तो ओवरऑल मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जो कैप्सूल का सीन हो रखा है ये कोई इवेंट्स वगैरह आने वाले, कोई मिशंस वगैरह आने वाले हैं, जो कि आप लोगों को मैप वगैरह के अंदर से रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो के अंदर कि आप लोगों को मैप से ना आप लोगों को अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले, नया मैप आएगा उसके अंदर से अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। सो अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों को पेंटागन टोकन कलेक्ट करना है। अब इस टोकन को कैसे कलेक्ट करना है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको टोकन को कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप लोग उसको बैटल रॉयल गेम क्लैश स्क्वाड खेल के और एस्ट्रो मैप खेल के साथ में लोन वुल्फ खेल के आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ से गाइस मैंने आपको पूरा इवेंट दिखा दिया, अभी गाइस हम लोग समझेंगे कैसे आप लोग इवेंट को ओपन कर सकते हो। सो दोस्तों इवेंट को ओपन करना ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना सिंपल है कि मतलब तुम लोग कहोगे कि भाई ये तो 2 मिनट का काम है तो मैं फटाफट जाके करके आता हूँ फिर वीडियो देखूंगा, पर आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो लगभग गिन के बता रहा हूँ 4 मिनट के और बाकी है, वीडियो को 4 मिनट और देखो फिर जाके दिन भर वही काम करो, ठीक है। तो अभी गाइस सीख लो आप लोग कैसे ओपन करना है। देखो गाइस आप लोग का फोन के अंदर डेट एंड टाइम की सेटिंग होती है, आप लोग अपने सेटिंग्स जब फोन की सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जाओगे ना तो उधर आप सर्च करना पड़ेगा आप लोग को डेट एंड टाइम। फिर आप लोग को जो डेट एंड टाइम है उसका मतलब कि इसको चेंज करना है। मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो आप लोग को फोन के डेट एंड टाइम को चेंज करना पड़ेगा। लाइक यार आज अपना 4 अगस्त है तो आप लोग को मतलब 8 या फिर 12 अगस्त लगा देना है। उसके बाद आप लोग को गेम को पीछे रिसेंट टैब के ऊपर ओपन करके रखना है, वरना आप लोग को रिट्राई और गेम जो ओपन है वो नहीं खुलेगा। और जो रिट्राई की प्रॉब्लम है वो आपको कॉन्स्टेंट आती रहेगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा मैं जब वीडियो बना रहा था तो मुझे भी नेटवर्क कनेक्शन आ रहा था, भाई वो तो सर्वर से प्रोवाइडर से होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे केस में आप लोग को उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, ओके के ऊपर आप लोग को जस्ट अपना फोन का जो बैक टैब होता है ना उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना तो वो हट जाएगा। फिर आप लोग गेम का एक एक ऑप्शन खोल के देख लेना जिस तरीके से मैंने दिखाया था। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको जितना दिखा दिया मुझे नहीं लगता उसके बाद आप लोग कोई और चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तो आपको सब कुछ यहाँ पे रिवाइज जो है करवा ही दिया है। एंड आप लोग को जितनी चीजें मैंने दिखाई वो सारी चीजें समझ में आ गई या फिर नहीं मुझे जरूर से बताना। एंड दोस्तों अभी बात करते हैं डायमंड शॉप के बारे में। सो अभी दोस्तों मैं आप लोग के सामने आप लोग को एकदम क्लिप दिखा देता हूँ जहाँ पे आप लोग को मैं इस इवेंट को ओपन करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के मिशन वगैरह आ जाएंगे जो कि अपने पिंक डायमंड के मिशन है। अब पिछली बार की तरह ये वॉच एड्स वाला नहीं है बेसिकली। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो पिंक डायमंड आप लोग को क्लेम करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने 100-100 करके 200 पिंक डायमंड 400 पिंक डायमंड कलेक्ट कर लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे एलीट पास, एस्ट्रोनॉट वाला बंडल एंड काफ़ी सारे अदर बंडल्स अवेलेबल है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंडल्स हैं। आप लोग को फ्री में देखने को मिल रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड कुछ करेक्टर्स अवेलेबल होंगे साथ में, पेट का यहाँ पे स्किन अवेलेबल है, पेट अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे इमोट्स हैं यहाँ पे जो कि आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे एक इमोट बहुत प्यारा सा 148 आप लोग को टोकन से देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हो भाई रैंपेज के कितने तगड़े इमोट्स है, तो मतलब आप लोग सोच रहे हो भाई क्या ही इवेंट आने वाला है, उसको देख के तो दिल गार्डन ही हो गया। अब तो गाइस देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस गिरना फ्री फायर आप लोग को इतने रिवॉर्ड्स तो दे देगा, बट आप लोग ना मेरी तरह इतने सारे जो पिंक डायमंड है उसको कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो फैक्ट बात है आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई गिरना को भी कमाना है, इसी वजह से गाइस वो आपको इतने ही टोकन देगा जिससे आप लोग एक या फिर 2 टोकन एक्सचेंज कर पाओ। वो अलग बात है कि आप लोग को वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा देगा, बट आप लोग एक्सचेंज जो है लिमिटेड चीज़ें ही कर पाओगे। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड सेट जो है वो डेवलप करके चलो। बाकी अगर कोई ट्रिक आएगी और अगर सोच के चलो कोई ग्लिच आ गया तो हम लोग फिर इस इवेंट को लूट डालेंगे, है ना। और गाइस अगर कोई ग्लिच आता है तो फटाफट से मैं चैनल के ऊपर वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट रखना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।